दोस्तों, स्ट्रैप फिटिंग के लिए एक छोटा सा जुगाड़ बना सकते हैं हम लोग। ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं। ये जो साइकिल के टायर, साइकिल के रिम के अंदर जो स्पोक्स होती है, वो स्पोक्स को मोड़ के, दो स्पोक्स मोड़ चाहिए होंगी इसके लिए। आप एक छोटा सा जुगाड़ तैयार कर सकते हैं जिससे स्ट्रैप डाल सकते हैं। इतनी बैगी बिशी दे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं स्लीपर बनाने का या रबड़ चप्पल बनाने का, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। और जो जो लोग जिनके पास मशीन लगी हुई है और तकलीफ़ में है और उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनके लिए भी हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं। हम लोग मशीन नहीं बेचते हैं। ये स्पोक्स लेके दो स्पोक्स को यू टर्न कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से मोड़ लेना है। जैसे ये सामने स्क्रीन के ऊपर है, ऐसे उसको मोड़ लो और ऐसे दो स्पोक्स को मोड़ के रखना है। और दो नट बोल्ट और ऊपर से एक लोहे का टुकड़ा, इसका रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। ये किसी भी लकड़ी के ऊपर, टेबल के ऊपर, दीवार के ऊपर, जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है चप्पल के अंदर स्ट्रैप डालने का। ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों यू है, इन दोनों को इकट्ठा लगाना है, एक के अंदर एक, और दोनों के बीच में कम से कम मिली तो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। सॉरी, 10 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। इन दोनों को, तारों को ऐसे पकड़ के, ये गैप होना बहुत ज़रूरी है। ये गैप उतना होता है जो स्ट्रैप के नीचे कुंडी बनी होती है गोल सी, उसके अंदर फंसाने के लिए होता है ये। तो उतनी जितना जितनी गुंडी होती है उतना कम से कम ये डिस्टेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब ये तार, ये पूरा के पूरे दोनों यू हैं, इन दोनों बोल्ट के अंदर रख के इसके ऊपर एक अच्छे से प्लेट रख के उसको अच्छे से टाइट कर देना है दो नट बोल्ट के साथ, दो बोल्ट के साथ। ये देखिए, ये प्लेट रख दी है। अब इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये एक कामयाब जुगाड़ है। इसमें आपको महंगी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है और काम इसी से शुरू करो, और कम पैसे में जितना काम शुरू हो सकता है उसको किया जाए। जैसे ही जैसे प्रॉफिट निकलता है उसके बाद ही उसको उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। इकट्ठा पैसा लगा के मैंने बहुत से लोगों को परेशान होते देखा है। बहुत ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई है और जितने भी लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया है वो तकलीफ़ में रहे हैं। छोटी हैंड मोल्डिंग, जिनके पास हैंड कटिंग मशीन है और उनको आगे काम में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अच्छे से। आगे एक मेरी वीडियो और भी आएगी जो स्ट्रैप कैसे बन सकता है वो बनाने के लिए। ये देखिए, ये फिटिंग हो गई है। ये दोनों तारें, दोनों यू बना के इसके अंदर अच्छे से ये फिटिंग कर दी है। अब इसके अंदर ये स्ट्रैप लगाने के लिए, ये इसके अंदर डाला, इसके अंदर ये स्ट्रैप फंसाया और इसको अंदर डाल दिया। ये इसको डाला दोबारा से, ये जहाँ पर ये डिस्टेंस है यहाँ पर इसको लगाया और इसको ये इसके अंदर चला गया। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा जुगाड़ है। आप ये देखिए, फिर दोबारा देखिए, ये देखिए। आप इसको दोबारा दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी आती है। आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और लाइक करिए। धन्यवाद।